वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 23 जून 2024 पिछले हफ्ते दैट मींस 17 जून से 21 जून तक करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ उसमें हम स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स में लास्ट वीक में 0.3% राइज के साथ क्लोज दिया है एट 105.83। यहाँ पे जो कैंडल वीकली कैंडल बनाया हुआ है इट्स ए बुलिश कैंडल एंड अभी भी ये प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे रही। अभी भी ये हो गया डॉलर इंडेक्स में। व्हाट नेक्स्ट, यानी एक्टिविटीज पिछले मंडे से फ्राइडे तक क्या क्या हुआ है ये तो सभी को पता है। अभी बात मेन बात ये है कि व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है आपका 106.50 के आसपास। ये हो गया प्राइस वाइज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हो जाएगा आपका 104 से 104.20 के बीच। दैट मींस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज मंडे ऑनवर्ड्स। डॉलर इंडेक्स ऑन द हायर साइड 106.5060 एंड ऑन द लोअर साइड 104.30 से 104.50 के बीच में साइडवेज कंसोलिडेट करने का एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI जो है इट इज अप्रोचिंग 60 करेंटली एट योर 59.14 जस्ट नियर 60। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एक नेगेटिव कैंडल के साथ ये नीचे की तरफ आने का प्रयास करें। सो क्या ये होता है ये हमें देखना पड़ेगा। ऑल्सो प्राइस वाइज देखेंगे बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल दैट इज द बुलिश कैंडल्स। अभी अगर इसको थोड़ा सा रिट्रेस करने का पॉसिबिलिटी है सो ब्रॉडर रेंज में ऑन द हायर साइड 106.5060 एंड ऑन द लोअर साइड 104.3050 इसी बीच में विथ ए मीन्स पर्सपेक्टिव दैट थोड़ा सा ऊपर से ये सेल ऑफ होने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। सो दैट मीन्स द केस वी नीड टू वेट फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटीज इन डॉलर इंडेक्स। ऑल्दो डॉलर इंडेक्स इज नॉट एन ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट सो अकॉर्डिंगली हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में देखने का प्रयास करेंगे। अभी GBP डॉलर में लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है विथ 0.34% नेगेटिव क्लोजिंग के साथ एट 1.2640 पे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेली चार्ट को तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था एंड यहाँ पे एक हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था। सो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक किया फिर नीचे आया यहाँ पे। और एक बढ़िया सा जो चीज देखना है फर्स्ट रेजिस्टेंस एट सेंटर बेंच। सो अगर इसमें नेगेटिविटी कंटिन्यू करते हैं इन सच केस GBP डॉलर में फर्दर सेलिंग में कंटिन्यू टुवर्ड्स 1.2500 सो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी आते हैं GBP INR में भी आप अगर देखोगे एक क्या बोलते हैं इसको लास्ट वीक में प्रीवियस वीक में एक इन्वर्टेड हैमर था एंड करंट वीक में जो क्लोज दिया हुआ है वो एक नेगेटिव कैंडल जो बेयरिशनेस को दर्शाते। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं बट एक इमीडिएट सपोर्ट जोन भी है। इसको इस सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा अगर इसमें सेलिंग प्रेशर सस्टेन करते हैं। अपर साइड में आप देखोगे RSI जो है ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। एज फार एज द RSI इज कंसर्न्ड हल्का सा नेगेटिव बायस यहाँ पे कंटिन्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर यूरो डॉलर। तो यूरो डॉलर में लास्ट वीक में एक रेड कलर का नेगेटिव कैंडल तो बनाया हुआ है बट ऊपर की तरफ प्राइस रिजेक्शंस ज्यादा था नीचे की तरफ मॉडरेट प्राइस रिजेक्शंस करके एक स्मॉल बॉडी डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है। एंड ये जो वीकली कैंडल है इट्स एन इनसाइड बार टू द प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस यानी 10 जून का जो वीकली कैंडल था उसके अंदर में एक इनसाइड बार बनाया। अभी इनसाइड बार का एप्लीकेशन क्या है अभी इसका लो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट जोन। इसका लो 10 जून का जो वीकली लो है इट बिकम्स ए
इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। इस सपोर्ट को अगर तोड़ देते हैं यूरो डॉलर इन सच ए केस ये फर्दर डिप टुवर्ड्स 1.06 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आयनर में भी सिमिलर फॉर्मेशन से एक डोजी कैंडल है विथ प्राइस रिसेक्शंस एट बोथ द टू साइड्स। ये बोथ द टू साइड्स एंड इट्स एन इनसाइड बार टू द प्रीवियस 10th June वाला कैंडल के अंदर में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है जो क्या दर्शाते हैं कि मदर कैंडल का जो रेंज है इट बिकम्स क्वेश्चन। मदर कैंडल के लो के नीचे फर्दर सेलिंग एंड हाई के ऊपर एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं। सो अगर मदर कैंडल दैट मींस 10th जून वीक का जो लो है उसके लो के नीचे इमीडिएटली हमारे पास सपोर्ट एरिया बना हुआ है। सो नीचे की तरफ मींस अगर सेलिंग होता भी है तो एक फर्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, रेदर थोड़ा सा बाउंस बैक का एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अभी बाउंस बैक में यानी ये बाउंस बैक के लिए कहाँ पे हमारा एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ये आपका 20th June का जो हाई है उसके ऊपर अगर आवरली बेसिस पे 3-4 कैंडल क्लोज दे देते हैं इन सच ए केस यूरो डॉलर में आप एक अपवर्ड बायस टुवर्ड्स यूरो आयनर पे अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 90.30 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे RSI इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40 डॉलर येन वीकली चार्ट में देखेंगे एक जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ वीक को क्लोज दिया है विथ 1.52% हायर क्लोजिंग देन द प्रीवियस वीक। अभी हमारे पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 160.20 जो आपका 29th April वाला वीकली कैंडल में हमने हाई देखा था। सो 160.20 एंड स्पेसिफिकली 29th April का जो मदर कैंडल है जहां पे BOJ ने स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इंटरवीन किया था बिकॉज ऑफ विच 160.20 से इंट्रा वीक में जो लो बनाया था 151.85 यानी आपका करीबन 8 बिगी का एक सेलिंग ड्यूरिंग दैट वीक देखा गया था। सो व्हाट इट इंडिकेट्स जो 29th April का जो रेंज है High and low becomes crucial, जो हमने previous analysis पे भी हमने discuss किया है। अभी अगर daily एक strong close देते हैं above 160.20 daily candle पे, this is weekly candle, अगर हम daily में देखेंगे daily पे अगर एक strong bullish candle के साथ यहाँ पे ये 160.20 के ऊपर अगर close देते हैं उसके बाद वाले दिन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। एंड एक कॉशन होगा BOJ का पर्सपेक्टिव, क्या BOJ वहां पे स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इंटरवीन करेंगे या नहीं, दैट इज द क्वेश्चंस। सो कंसीडरिंग BOJ का हार्ड मींस स्ट्रॉन्ग हैंडेडनेस तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड स्टॉप लॉस के साथ हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अगर डेली यानी मान लेते हैं कि मंडे के दिन में डेली क्लोज डॉलर येन में 160.20 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का डेफिनेशन क्या है कि वो फ्रॉम द हाई क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट नियर द हाई होगा। इन सच ए केस एक अपवर्ड बायस डॉलर येन में हम देख सकते हैं 164.50 की तरफ। एक एक्सेप्शन क्या है BOJ का हाई हैंडेडनेस, उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड येन आयनर का आपका जो प्राइस है यहां पर भी येन आयनर का जो प्राइस है आपका ये भी 29th April का जो लो है उसके लो के नीचे सस्टेन कर रहा है। दैट बीइंग द केस अगर मंडे के दिन यहाँ पे डेली क्लोज में एक क्लोजिंग देते हैं इन सच ए केस क्या होता है एक फर्दर फॉल टूवर्ड्स 50.50 से 50.70 की तरफ जाने का एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये जो रेंज है क्या रेंज है ये हमने बहुत पहले ड्रॉ करके रखा था, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो
ब्रेथ है, इक्विवेलेंट टू दैट पर्टिकुलर ब्रेथ इज अवर नेक्स्ट टारगेट जब ये रेक्टेंगल को तोड़ते हैं. दैट इज वाई वी आर टारगेटिंग ये 50.50 से 50.70 की तरफ. ये हो गया आपका ENINR. लेकिन यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस अगर ये आने में कोई सेलिंग के लिए ढूंढते हैं, इन सच ए केस स्टॉप लॉस के साथ खेलना है. डॉलर कैंडी में ये साइडवाइज कंसोलिडेट कर रहे हैं काफी टाइम से. कौन सा साइडवाइज? 1.3600 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3850 ऑन द हायर साइड. इसी रेंज के अंदर में ये ट्रेड कर रहे हैं. दैट बीइंग द केस, जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें साइडवेज कंसोलिडेशन में डॉलर के भी बिहेव करने का हायर पॉसिबिलिटीज है. अभी आते हैं ऑसी डॉलर. ऑसी डॉलर में यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन किया हुआ है. अब यहाँ पे देखोगे एक मेजर जो रेंज था ऊपर की तरफ 0.6660 एंड ऑन द लोअर साइड 0.6475. इस रेंज के बाहर यहाँ पे आया था, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर चला गया था. फिर ऊपर जाने के बाद फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद हमें देखना था 0.6450 के तरफ आने का. लेकिन काफी टाइम कंसोलिडेट कर रहा है. दैट बीइंग द केस, हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था जहाँ पे हम ये आशा कर रहे थे, इवन लास्ट वीक का जो एनालिसिस था उसमें क्या था, इस कैंडल 3 जून के लो के नीचे एक डाउनवर्ड प्रेशर टूवर्ड्स 0.6480 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे उसके बाद दो बैक टू बैक क्विकली कैंडल जो है उसी रेंज के अंदर में चला गया. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन यही है, रेजिस्टेंस जोन पे अगर काफी ज्यादा टाइम पास करते हैं देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ऑसी डॉलर में मूव हायर टूवर्ड्स 6.9. लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि कल जाके आप बाई कर लो. आपको प्राइस एक्शन देख के इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही जाएगा 6720 के ऊपर जैसे ही जाएगा उसके बाद ये आपका ऊपर के तरफ 6.69 के तरफ जाने का हायर चांसेस रहता है. अभी सीएनएच का एक इशू है करेंटली क्या है, ये 7.2770 पे क्लोज दिया है. हमारा कंटिन्यूअस एक अलर्ट आ रहा है कि सीएनएच अगर 7.2950 के ऊपर क्लोज देते हैं, 29 एंड 2950 के ऊपर अगर क्लोज देते हैं इसका प्रेशर रूपी में आ सकता है. इसके लिए हमें ध्यान से सीएनएच को देखना चाहिए. नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड जो स्पॉट चार्ट है ये वीकली में इन बिटवीन हाफ वे में आके सेंटर बैंड में आके रुका हुआ है. एट वीकली जो क्लोज दिया है 84.15 ये ब्रेंट क्रूड स्पॉट चार्ट है. सो यहाँ पे ऊपर के तरफ आपका 91.9150 एंड नीचे के तरफ आपका 76.7650 का दो रेंज बनाया हुआ है. उसी के अंदर में ये प्राइस टाइम पास करना चाहिए. मींस उसके बाद मींस कहने का मतलब वॉलेटिलिटी बोथ साइड होगा, प्राइस एक्शन के साथ आप बोथ साइड में इसको देख सकते हैं. अभी ये जो कैंडल बनाया हुआ है वीक मींस वीकली कैंडल जो क्लोज दिया है एट 84.15 मंडे ऑनवर्ड्स अगर ये 27 मई के हाई के ऊपर दैट मींस 84.65 पे होकर डेली क्लोज देते हैं तो एक फर्दर अपवर्ड बायस टुवर्ड्स 87.50 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूएस 10 ईयर ट्रेजरी. यूएस 10 ईयर ट्रेजरी में जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 4.25. यहां पे क्या एक्टिविटीज हुआ? आप देखोगे प्रीवियस वाला जो 10th जून का जो कैंडल क्लोजिंग दिया था इट्स ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल. ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल ट्रेंडलाइन सपोर्ट, इंक्लाइन ट्रेंडलाइन सपोर्ट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल ट्रेंडलाइन सपोर्ट दोनों को तोड़ के नीचे क्लोज दिया हुआ था एंड क्लोजिंग नियर द लो था. एंड ये लास्ट वीक में 17th जून का जो क्लोजिंग है इट्स ए स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल प्लस इनसाइड बार टू द मदर कैंडल व्हिच वाज अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही 10th जून के लो के नीचे आवरली बेसिस पे 3-4 कैंडल नेगेटिविटी के साथ क्लोज देगा देन यूएस 10 ईयर ट्रेजरी फर्दर नीचे की तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी टुवर्ड्स 4.08. यूएस टू ईयर ट्रेजरी में भी सिमिलर एनालिसिस. पहले हम देखेंगे 10th जून वाला
वीकली कैंडल ये एक नेगेटिव कैंडल था जो नेगेटिव कैंडल ट्रेंड लाइन सपोर्ट को इंक्लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ के नीचे क्लोज दिया था एंड ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन सपोर्ट के जस्ट लो के नीचे क्लोज दिया था। ये हो गया था 10 जून वाला कैंडल एंड करंट वाला जो लास्ट वीक का जो 17 जून का कैंडल था इट्स ए स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल जो इन साइड बार टू द मदर कैंडल 10 जून का हुआ। दैट बीइंग द केस 10th जून का जो लो है दैट मींस 4.658 इस लो के नीचे एक फर्दर सेलिंग फर्स्ट टुवर्ड्स 4.55 एंड देन टुवर्ड्स 4.45 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना नीचे टुवर्ड्स 4.16 उसके लिए प्राइस कंफर्मेशन चाहिए। सो एज ऑफ नाउ छोटा टारगेट 4.55 एंड 4.45 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आते हैं डॉलर डॉलर रुपी में सबका फ्रस्ट्रेशंस क्या सबका फ्रस्ट्रेशंस रुपी रेंज में अटके हुए हैं काफी समय से बीच बीच में ब्लिप ब्लप करते हैं ये रेंज के बाहर लेकिन फिर दोबारा बिकॉज ऑफ द इनविजिबल हैंड फिर दोबारा वो रेंज में आ जाते हैं। अभी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है ये है 83.55 में। अभी 83.55 ये जो रेजिस्टेंस जोन 83.50 से 83.70 उस रेजिस्टेंस जोन में अटके हुए हैं एंड नीचे की तरफ ये सपोर्ट है 82.80 से 83.0। व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें वही तीन चार चीजें देखना है। एक है अपना इनविजिबल हैंड कितना स्ट्रॉन्ग हैंडेडली इस रेंज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा मामला आपका सीएनएच सीएनएच मींस ये देख लीजिए 7.29 एंड 7.2950 के ऊपर जैसे ही जाएगा एंड पीबीओसी इज अनेबल टू डिफेंड CNH depreciations in such a case, इसका प्रेशर जबरदस्त प्रेशर डॉलर रुपए में आने वाला है। उस समय क्या इनविजिबल हैंड्स स्ट्रॉन्ग हैंडेडली 83.50 83.70 को रेजिस्ट करते हैं या नहीं करते ये हमें देखना पड़ेगा। वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम काफी समय से ये देख रहे थे कि बॉन्ड इनफ्लोज ये इंडियन मार्केट को जून महीने में हिट करने वाले हैं। जून महीने का ऑलमोस्ट मंथ मीन्स 3 वीक्स चला गया ऑलमोस्ट मंथ जाने वाला है ये जो इनफ्लोज जो भी अमाउंट आया हुआ है इट इज अनेबल टू एप्रिशिएट द रुपी। दैट मीन द केस यहाँ पर भी एक उल्टा प्रेशर आने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है विच मे टेक डॉलर रुपी 84.50 की तरफ लेके जाने के लिए एक प्रोबेबिलिटी है। यस इनविजिबल हैंड्स जो डिफेंड कर रहे हैं उन लोगों को लाइटली लेना नहीं चाहिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल लेकिन उनका मीन्स मूड क्या है उनका मोटिव क्या है उनको हमें देखना है। अगर वो लोग थोड़ा सा मीन्स सॉफ्ट अप्रोच लेते हैं तो कभी भी यूएसडी आईएनआर 84.50 के तरफ जाने के लिए वो भी रॉकेट की तरह जाने के लिए तैयार हो सकता है। क्यों रॉकेट की तरह स्प्रिंग की तरह काफी कंसोलिडेटेड हो चुका है। स्प्रिंग का बाद जब स्प्रिंग फूटता है तो बुड़ूम करके ऊपर के मींस ब्रेकआउट होता है। ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता था लेकिन नीचे की तरफ हुआ नहीं है। रदर यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है ऊपर की तरफ करंट कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबिलिटीज यही है कि ऊपर की तरफ ये तोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you. Thank you.